गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आपके जीवन को एक नया रास्ता देगी। जरूर 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 सुनिएगा, क्योंकि आज मैं जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, शायद पहले आपने कभी नहीं सुनी होगी, या फिर सुनी भी होगी तो बहुत अच्छी बात है। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। अपनी लाइफ की क्या वैल्यू है, ये क्वेश्चन आपने कभी अपने आप से किया है कि हमारी लाइफ की क्या वैल्यू है? बस इसी के ऊपर है आज की कहानी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार एक बच्चे ने बड़ी कुतूहलता से अपने पापा से पूछा कि पापा, मेरी लाइफ की क्या वैल्यू है? तभी उसके पापा ने कहा कि क्या तुम सच में अपनी लाइफ की वैल्यू जानना और समझना चाहते हो? तो एक काम करो, क्या तुम सच में अपनी जिंदगी की कीमत जानना चाहते हो? तो चलो मैं तुम्हें एक पत्थर देता हूँ। इस पत्थर को लेकर तुम मार्केट चले जाना, और अगर कोई इसकी प्राइस तुम्हें पूछे तो बस कुछ मत कहना, बस अपनी दो उंगलियां खड़ी कर देना। बस वो लड़का फटाक से मार्केट गया। वो कुछ देर तक वहीं ऐसे बैठा रहा, पर किसी ने उसके सामने देखा भी नहीं। तब एक रास्ते से एक बूढ़ी औरत उसके पास आई और उस पत्थर का प्राइस पूछने लगी। वो लड़का एकदम चुप रहा। उसको अपने पापा ने जो कहा था कि कुछ बोलना मत, बस दो उंगलियां खड़ी कर देना, उस लड़के ने बस वो बूढ़ी औरत के सामने अपनी दो उंगलियां खड़ी कर दी। तभी वो बूढ़ी औरत ने कहा, अच्छा 200 रुपये, चलो ठीक है, मैं इस पत्थर को तुमसे खरीद लूंगी, क्या तुम मुझे बेचना चाहोगे? ये सुनकर बच्चा एकदम से शॉक्ड हो गया कि क्या एक पत्थर की कीमत 200 रुपये? अजीब बात है। वो सोच में पड़ गया और सोचने लगा कि पत्थर तो जनरली कहीं पे भी मिल सकते हैं, लेकिन इसका प्राइस 200 रुपये, क्या बात है। उसने बूढ़ी औरत से कहा कुछ भी नहीं, सिर हिलाकर भागता हुआ अपने पापा के पास पहुंच गया और तुरंत अपने पापा के पास पहुंचकर कहने लगा कि पापा, मुझे मार्केट में एक बूढ़ी औरत मिली थी और इस पत्थर के 200 रुपये देने को तैयार हो गई थी। अब पापा ने कहा, अब इस बार तुम एक काम करो, इस पत्थर को लेकर तुम एक म्यूजियम में जाओ, और अगर कोई फिर से इसका प्राइस पूछे तो कुछ मत कहना, बस अपनी दो उंगलियां खड़ी कर देना। वो लड़का म्यूजियम में चला गया और वहां पर एक आदमी की नजर उसके हाथ में रखे हुए पत्थर पर पड़ी, और वो अचानक से वो आदमी आकर उससे पूछने लगा कि इसका प्राइस क्या है। वो बच्चा एकदम चुप रहा और उसने अपनी सिर्फ दो उंगलियां खड़ी कर दी। तब वो आदमी बोला कि अच्छा 20,000 रुपये, ठीक है, चलो मैं तुम्हें इस पत्थर के 20,000 रुपये देने को तैयार हूँ, क्या तुम मुझे ये बेचोगे, तुम दोगे मुझे? वो लड़का फिर से चौंक गया और तुरंत भगा भगा वहां से सीधा अपने पापा के पास पहुंच गया और जाकर अपने पापा से कहने लगा कि पापा, म्यूजियम में तो मुझे एक आदमी मिला था और इस पत्थर की उसने 20,000 रुपये देने के लिए रेडी हो गया था। तभी उसके पापा ने कहा, अब तुम एक काम करो, मैं तुम्हें अब आखिरी जगह भेजने जा रहा हूँ, और अब तुम्हें जाना है कीमती पत्थरों की दुकान पर, और अगर वहां पर भी कोई तुमसे प्राइस पूछे तो तुम्हें चुप रहना है, कुछ कहना नहीं है, बस अपनी दो उंगलियां खड़ी कर देना। वो लड़का जल्दी से फटाफट से कीमती पत्थरों की दुकान पर पहुंच गया और उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी जो काउंटर के साइड में खड़ा था, जैसे ही उस बूढ़े इंसान की नजर उस पत्थर पर पड़ी, वो एकदम से
उसके पास आ गया, शॉक्ड हो गया और तेजी से बाहर आकर उस बच्चे के हाथ से वो पत्थर छुड़ा लिया और देखने लगा और बोला, ओ माय गॉड, इस पत्थर की तलाश में मैंने अपनी पूरी जिंदगी गुजार दी। कहां से मिला तुम्हें यह पत्थर और क्या प्राइस है इसका? कितना लोगे तुम इस पत्थर का मुझसे? मुझे जल्दी बताओ बच्चे, जल्दी बताओ। वह बच्चा एकदम चुप सॉफ्ट हो गया और उसने कुछ बोला नहीं, उसने सिर्फ अपनी दो उंगलियां खड़ी कर दी। तो वो बूढ़ा उसमें बोला, कितने? 2 लाख रुपए। अच्छा ठीक है, इसके लिए तो मैं तुम्हें 2 लाख रुपए अभी देने को तैयार हूँ। तुम मुझे प्लीज जल्दी से ये पत्थर मुझे दे दो। अब ये सुनकर उस लड़के ने अपनी आंखों पर उसको विश्वास ही नहीं हो रहा था। वो बिल्कुल शॉक आश्चर्यचकित हो गया था और वो तुरंत वहां से भागकर पत्थर को लेकर अपने पापा के पास पहुंच गया और बोला कि पापा, वह बूढ़ा आदमी पत्थरों की दुकान में इस पत्थर के पूरे 2 लाख रुपए देने को तैयार है। तभी उसके पापा ने हंसते हुए कहा कि क्या तुम अब समझे अपनी लाइफ की वैल्यू? आपकी लाइफ की वैल्यू इस बात पर डिपेंड करती है कि आप अपने आप को कहां रखते हैं। ये आपको ही डिसाइड करना है, तय करना है कि आपको 200 रुपए वाला पत्थर बनना है या फिर 2 लाख रुपए वाला पत्थर। जिंदगी में कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, उनके लिए आप सब कुछ है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको सिर्फ और सिर्फ एक वस्तु, एक चीज के रूप में उपयोग करेंगे। उनके लिए आप कुछ भी नहीं है। यह आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी लाइफ की वैल्यू क्या होगी। तो यहीं पे यह कहानी पूर्ण होती है और इस कहानी से हम लोग ये सीखते हैं कि हमें क्या बनना है, 200 रुपए वाला पत्थर या फिर 2 लाख रुपए वाला पत्थर। हम किस जगह पर है, किस जगह पर हमें खड़ा रहना है, ये हमें खुद ही तय करना पड़ेगा, कोई और तय नहीं करेगा। वो कहते हैं ना कि हमें खुद को क्या बनाना है वो पहले खुद सोचना पड़ेगा, तब जाकर उसके ऊपर हम वर्क करेंगे, काम करेंगे और वहां तक पहुंचने की कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे, तभी पूरा ब्रह्मांड हमारे लक्ष्य तक पहुंचने में हमें मदद करेगा। पहले हमें अपनी लाइफ की वैल्यू का पता होना चाहिए। तो चलिए इसी अच्छी सोच के साथ आज की ये कहानी यहीं पे खत्म करती हूँ। तो चलिए, जो हर रोज कहती हूँ आज भी कहूंगी, कीप स्माइलिंग ऑलवेज। और हाँ, रुके 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 रुके, जाएगा मत। आप लोगों को मेरी स्टोरीज कैसी लगती है वो जरूर बताइएगा। अच्छी लगती हो तो कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। एंड थैंक यू फॉर सपोर्ट। धन्यवाद।